लोगों का स्वागत है आज के प्रेस वार्ता में। देखिए, वैसे तो आप लोगों ने देखा ही होगा पिछले दिनों में जिस तरह से पार्लियामेंट में अपोजिशन की पार्टी और अपोजिशन नेता काले कपड़े पहन कर आ रहे हैं, उनके कारनामे भी काले हैं और देश को वो काले रंग से पोतना चाहते हैं। देश की तरक्की, इनको तरक्की जब होती है तो उनको कहीं ना कहीं खटकती है, ये उनका रवैया देखा गया पिछले दिनों में। लेकिन वहीं पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जब से 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने तब से आज तक दिन रात मुसलसल एक ही नियत और एक ही कोशिश में लगे हुए हैं कि कैसे भारत की अर्थव्यवस्था, भारत को दुनिया के पटल पर मजबूत रखा जाए, भारत की अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो। और उसकी वजह से उन्होंने जितने भी इम्पोर्टेंट और बहुत ही जो पॉलिसी रिफॉर्म्स किए या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए, उसकी वजह से आज देखिए देश तरक्की भी नहीं बल्कि बहुत तेजी से तरक्की के रोड पे दौड़ रहा है, जो ग्रोथ के रोड पे दौड़ रहा है। आप पिछले दिनों सुना होगा कई ऐसे रिपोर्ट्स, दुनिया और देश में ऐसी रिपोर्ट छपी है। हालांकि इसका जिक्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया था कि 2029 तक भारत की इकोनॉमी जो है दुनिया में तीसरे नंबर की इकोनॉमी हो जाएगी, बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। जैसा आपको मालूम है 2022 में दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से जो लार्ज इकोनॉमी ग्रो करने वाली थी उसमें इंडिया थी, इंडिया जो सबसे तेजी से ग्रो की थी 2022 में, और 7.2% की रफ्तार से जो इंडियन इकोनॉमी बढ़ी थी। उसी तरह से आप देखिए कि पिछले 2014 से हमारी इकोनॉमी 2015 में जो है उस वक्त 10वें स्थान पर, 2015 में 9वें स्थान पर आई, फिर 2016 में 7वें, 2019 में 6ठे स्थान पर और अब 2022 में 5वें स्थान पर आई है। हमने बहुत सारे बड़े बड़े जो कंट्रीज थे उनको बहुत पीछे छोड़ा। फॉर इंस्टेंस, एक मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, फिर तफसील में जाऊंगा कि आखिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कैसे कैसे काम किए जिसकी वजह से आज देश की अर्थव्यवस्था बहुत ही मजबूत और तेजी से दौड़ रही है। यूनाइटेड किंगडम आपने सुना होगा, बहुत मजबूत, दुनिया में सबसे बोलबाला रहने वाला देश, जिसकी कितनी कॉलोनियां होती थी और हम पे भी राज कर चुके थे। 2000 में उनकी इकोनॉमी जो है 4.9%, जो पूरे दुनिया का जो जीडीपी है उसका 4.9% जो शेयर वो यूनाइटेड किंगडम को होता था 2000 में, जबकि भारत का 1.4%, मतलब उसका आप देखिए पांचवा हिस्सा, 20% ऑफ यूके की इकोनॉमी जो हमारी इकोनॉमी थी। अब 2014 के बाद जो रफ्तार पकड़ी है देश की इकोनॉमी ने, तो आज हम और यूनाइटेड किंगडम हम उससे आगे निकल गए हैं, वो हमसे पीछे हो गए हैं। और आगे आने वाले दिनों में जो यूनाइटेड किंगडम के दुनिया के कंट्रीब्यूशन में जो ग्लोबल जीडीपी का कंट्रीब्यूशन जो है 3.1% होगा और हमारा आगे आने वाले दिनों में अगले कुछ सालों में 4.1% होगा, आज हमारा 3.4% है। तो इससे क्या समझ में आता है, इससे समझ में आता है कि 2014 के बाद आखिर क्यों ऐसे तेजी आई, क्या कारण है उसके तेजी आने का। तेजी आने का कारण है कि भारत के प्रधानमंत्री ने बहुत कड़वे फैसले लिए जो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करे, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो बैंकिंग रिफॉर्म्स हो जो, या फिर आपको जीएसटी जैसे महत्वपूर्ण जो है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए हो, या आपका रेलवे में जिस तरह से रिफॉर्म्स किया हो, या बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए जैसे डिमोनेटाइजेशन जैसे रिफॉर्म्स किए हो, इस तरह के रिफॉर्म से हमने देखा है कि अर्थव्यवस्था थोड़ी सी धीरे हुई थी जब उन्होंने ऐसे रिफॉर्म्स किए थे, लेकिन बाद में उसमें तेजी आई इसलिए कि वो रिफॉर्म्स की जरूरत थी। पॉलिसी इनिशिएटिव लिए, बहुत सारे पॉलिसी इनिशिएटिव, छोटे छोटे जो बहुत सारे ऐसे गाइडलाइंस थे जिसको खत्म किया और उसको खत्म करके एक अच्छे गाइडलाइंस बनाया जिससे कि बॉटलनेक्स खत्म हो। तीन तरह के बड़े इस पूरे 9 साल में तीन बड़े शॉक की तरह आया, उसके बावजूद आज पांचवी नंबर की इकोनॉमी, जबकि 2013 में पांच जो सबसे कमजोर इकोनॉमी उसमें भारत का नंबर था और 10वें स्थान पे थी, आज पांच सबसे मजबूत इकोनॉमी दुनिया में है। और उस 9 साल में तीन, उसके बावजूद कि तीन बड़े बहुत बड़े शॉक्स आए और उसमें 2-3 साल तो समझिए काम ही नहीं हुआ। एक तो कोविड, जिसकी वजह से पूरे दुनिया में इकोनॉमिक पैरालिसिस आ गया था, पूरे दुनिया में, सिर्फ देश में नहीं पूरे दुनिया में इकोनॉमिक एक्टिविटीज बंद हो गई थी, उसके बावजूद देश की अर्थव्यवस्था आज देखिए 5वें पायदान पे है। 2 साल बिल्कुल काम ठप रहा, इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद हो गई थी, देश का
जो कॉफर है वो खाली हो गया था, उसके बावजूद प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता की सेवा की, देश की जनता की पूरी चिंता की और देश की इकोनॉमी को भी आगे जो है पढ़ाने में पूरा प्रयास किया। दूसरा शौक आया जैसे उस कोविड से निकले तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, रशिया यूक्रेन का जो है वो क्राइसिस आया, रशिया और यूक्रेन के क्राइसिस की वजह से पूरे दुनिया में फिर से एक बार इकोनॉमी जो है डगमगाने लगी। जाहिर है अगर आपके सप्लाई चेन बंद हो जाएंगे तो उसका नुकसान तो हर देशों को होगा, रॉ मटेरियल्स नहीं आएगा, प्रोडक्शन में कमी आएगी, जाहिर है कि आपको इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इस सब कारणों के बावजूद हमारी जो है अर्थव्यवस्था बढ़ती रही, उसका पूरा श्रेय जाता है आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने ऐसे कड़े, ऐसे डिफिकल्ट टाइम में कड़े फैसले लिए और देश की अर्थव्यवस्था को किसी तरह से भी कमजोर नहीं होने दिया। और तीसरा जो सबसे बड़ा बॉटलनेक पिछले 9 साल में वो है विपक्ष, जो काले कपड़े पहन के आता है, लेकिन उनको पता होना चाहिए मोदी है तो मुमकिन है, हम अर्थव्यवस्था को मजबूत से मजबूत करेंगे और दुनिया में सबसे तेज गति से रफ्तार जो है से रफ्तार से देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, इसकी पेशकश आदरणीय प्रधानमंत्री जी करते रहे। ये काले कपड़े पहले काले करने में करे, काले रंग से देश की अर्थव्यवस्था को पोतने के काम करे, गलत अल्फाज का इस्तेमाल करे, दुनिया में देश का नाम बदनाम करने की कोशिश करे, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कभी उस तरफ ध्यान नहीं दिया, बल्कि अपने मंजिल को ध्यान में रखा कि हमें देश की अर्थव्यवस्था को तेज करना है। आज देखिए, आज हम 5वें स्थान पे हैं, जिस तरह से हमारा ग्रोथ रेट चल रहा है, अब देखिए हम इस बार जो है पहले क्वार्टर में हम जाहिर है 8% से ज्यादा आएंगे, जिसके सारे अनुमान है। पूरे साल का अगर अगले साल जो है फिस्कल 2024 का अगर हम देखें तो पूरे साल का जो अनुमान है कि हम कम से कम 6.5 to 6.75 के आसपास रहेंगे। अगर इसी रफ्तार से हम अगले 10 साल तक बढ़ते रहे तो हमारी अर्थव्यवस्था जो है 2027 में जो है $5.5 trillion की इकोनॉमी होगी। जो $5.5 trillion की इकोनॉमी होगी तो उस वक्त हमारे यहाँ से जापान और जर्मनी जो हमसे आज आगे है वो दोनों पीछे हो जाएंगे, इसलिए कि वो 5 के आसपास ही रहेंगे, जबकि हम $5.5 trillion इकोनॉमी हो जाएंगे। और उसके आगे से और रफ्तार बढ़ती रहेगी तो हम 2001 डिकेड में हम 8 to 9 trillion के इकोनॉमी हो जाएंगे, और 2047 में पूरे अमृतकाल में जिस तरह से आज आदरणीय प्रधानमंत्री ने जो फैसले लिए उसका पूरा फायदा जो है अमृतकाल में, इस दौरान में जो है 2047 तक हमारी अर्थव्यवस्था जो है $20 trillion की हो जाएगी और दुनिया की बहुत मजबूत, और 2060 तक का अगर प्रोजेक्शन देखें तो दुनिया की टॉप 1 or 2 अर्थव्यवस्था में हो गए। आज अगर आप देखिए तो चाइना में क्या है, चाइना का कंट्रीब्यूशन जो है, चाइना में ग्रोथ स्टोरी जो है, चाइना में आज अभी भी बहुत वीकनेस है, उसकी जो चाइना की इकोनॉमी जो है तेज रफ्तार से बढ़ने के बजाय आज धीरे धीरे कम हो रही है, जबकि हिंदुस्तान की इकोनॉमी जो है तेजी से बढ़ रही है। आज आप देखिए, आप अगर इकोनॉमी की बात करते हैं तो कैसे देखते हैं, आप देखिए जीएसटी कलेक्शन अच्छा हो रहा है, 1.5 लाख जीएसटी कलेक्शन हो रहा है, तो जो ग्रोथ रेट है उसका डबल डिजिट में ग्रोथ रेट है। आप देखिए कि जो बैंकों की जिस हालत में छोड़ा था इन्होंने बैंकों को, किस हालत में छोड़ा, चरमराती हालत में बैंकों को छोड़ा था, जब बैंक में सिर्फ ऐसे लोन दिए गए थे जिस 67% ऐसे लोन दिए गए थे जिसका एबिटा जो मतलब जो डे वन में एबिटा नेगेटिव बोलते हैं, जो डे वन में लगे कि डूब जाएगा पैसा, ऐसी कंपनियों को पैसा दिया था, इसलिए कि फोन बैंकिंग था उस वक्त, सीधे 10 जनपद में फोन करो और आप लोन ले लो, मैं तो बैंकर था मुझे मालूम है कैसे उसको लोन लिया जाता था। उस दौरान आप एक छोटा सा देखिए, 2006 तक 1947 से 2006 तक बैंक की बैलेंस शीट जो है वो 18 लाख करोड़ की थी, मात्र 6 साल में 2006 से 2012 में बैंक की बैलेंस शीट तीन टाइम बढ़ गई तो 52 लाख करोड़ की हो गई, मतलब बेतहाशा पैसा बांटा गया, जो मर्जी आया जिसको दिया गया। उससे क्या हो गया कि एनपीए जो है, जब हमने सरकार में आए तो हमें ऐसा लगा कि हमने इनहेरिट किया ऐसे बैंकों को जिसको जो बहुत ही कमजोर स्थिति में है, उनके एनपीए ज्यादा है, प्रोडक्टिविटी कम है, लोन लेने के देने की स्थिति में नहीं है, कैपिटल की कमी है। तब हमने सबसे पहले बैंकों को कैपिटलाइज किया, एनपीए पे फोकस किया, रिकवरी मैकेनिज्म स्ट्रांग किया। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि देश के बैंकों की हालत बहुत मजबूत है, फाइनेंशियल हेल्थ उनका बहुत अच्छा है, और देश के उन बैंकों को अगर आप देखिए तो आज उनके पास जो एनपीए जो डबल डिजिट में था उस वक्त क्रॉस एनपीए, आज नेट एनपीए 1% से भी के नीचे हो गया है,
उससे समझ में आता है कि हमारा रिकवरी मैकेनिज्म बहुत स्ट्रांग है और हमने जो बैंक से रिलेटेड जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए और जो टाइम बॉन्ड जो हमने उसका रेजोल्यूशन निकाला और उस टाइम बॉन्ड रेजोल्यूशन की वजह से आज बहुत सारा रिकवरी हो पाया हमारे पास, बैंकों का जो लोन था वो रिकवर हो पाया है और बैंक अच्छी स्थिति में है और भारत सरकार ने बैंक को रिकैपिटलाइज भी किया। उसकी वजह से आज देखिए बैंकों में लोन नहीं दिया जा रहा था, आज जो क्रेडिट ग्रोथ है उस वक्त जब इस तरह से पैसा बांटा जा रहा था तो 27% ऑल टाइम हाई था, आज कम से कम कह सकते हैं कि 16% स्ट्रांग क्रेडिट ग्रोथ है बैंकों की और बहुत मजबूती के साथ बैंक प्रॉपर क्रेडिट वैल्यूएशन के साथ दे रही और इस वजह से पॉसिबल है कि हमने पॉलिसी फ्रेमवर्क जिस तरह का बैंकों का बनाया और जिस तरह से कैपिटलाइज किया इसकी वजह से हमारे बैंक आज मजबूत स्थिति में है। अब आप लोगों ने कहा कि भाई बैंक अब बैंक अच्छी हालत में तो बैंक लोन दे, तो बैंक देखिए पहले लोन नहीं दे रहे थे, अब तो 16.6% ग्रोथ है बैंक के क्रेडिट ऑफ टेक का, जीएसटी कलेक्शन अच्छा हो रहा है। उसके बाद आप देखते हैं कि इस देश में तरक्की कैसे हो रही है, अगर जाहिर है जीडीपी तेजी से ग्रो हो रहा है तो उसके कई वजूहात होंगे, कई कारण होंगे, तो उसमें समझ में आता है कि जो हाउसहोल्ड कंजम्पशन जो है वो भी बहुत तेजी से बढ़ा है और हम 60% ऑफ जीडीपी जो है हाउसहोल्ड कंजम्पशन जो है आज दिखता है। इससे समझ में आता है कि पूरी दुनिया की पूरी जहां हाउसहोल्ड कंजम्पशन मतलब देश में खपत, देश के जो मैन्युफैक्चरिंग स्पेस पे या देश में जो जीडीपी है उसका 60% खपत देश के अंदर ही हो रहा है, तो मतलब सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था यहाँ है, सबसे बड़ा मार्केट यहाँ है, यहाँ पर सिर्फ निवेश सबसे किया जा सकता है और इसीलिए पूरे यूपीए के 10 साल में 2.6 बिलियन डॉलर जो है 260 बिलियन डॉलर जो है वो यहाँ पर एफडीआई आया था और आज 9 सालों में जबकि 3 साल तो कोविड और यूक्रेन क्राइसिस में खराब हो गए उसके बावजूद 6 सालों में हमने 700 बिलियन मतलब ऑलमोस्ट क्वार्टर ट्रिलियन जो है हमने ऑलरेडी अट्रैक्ट कर लिया है। ये अपने आप में दर्शाता है कि थ्री टाइम्स एफडीआई बढ़ा है और क्यों बढ़ा है, इसलिए कि देश की इकोनॉमी में लोगों को उम्मीद है, यहाँ ग्रोथ कैपिटल लगाने में उनकी रुचि है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और एक लीडरशिप ऐसी है, एक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जिसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ देश की जनता को, उन्होंने बार बार भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से एनडीए को जिताया जिससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देश में रही, उसका पूरा जो फायदा जो है उनको देश को हुआ है और देश में जो निवेश हुआ है उससे जो है आम नागरिक को ही फायदा होता है। और दूसरी बात है कि पॉलिटिकल लीडरशिप, कभी कड़वे फैसले लेने हो तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी कभी चुके नहीं, उन्होंने कहा कभी कभी अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए कड़वी गोली खानी पड़ती है और उन्होंने कड़वी गोली खाई इसलिए कि देश के लिए वही जरूरी था। आज मैं कह सकता हूं कि देखिए पर कैपिटा इनकम, देखिए हमारे पर कैपिटा इनकम आज के हिसाब आज जो है वो बढ़ते हुए पिछले 9 सालों में डबल से भी ज्यादा बढ़ के 2250 डॉलर हो गए हैं, लेकिन जो अनुमान है अनुमान के हिसाब से हम 2030 तक 5250 डॉलर जो है हमारी इनकम होगी जो पर कैपिटा इनकम, और जो ऐसे लोग जो 35,000 ऐसी परिवार जो 35,000 उसका देखिए 35,000 डॉलर से ज्यादा इनकम वाली परिवार जो है वो 5 मिलियन लोग ऐसे थे जो 35,000 से ज्यादा कमाते थे डॉलर से, रुपीज नहीं पर एनम, अब उसको इस पूरे जो देश की अर्थव्यवस्था तेजी से चल रही है जो अनुमान है जो रिपोर्ट आई है चाहे इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की हो या कोई दुनिया के और कई अनेक संस्थानों की रिपोर्ट है या देश के संस्थानों की रिपोर्ट है उसके हिसाब से जो ये 5 मिलियन जो है वो 25 मिलियन ऐसे लोग 25 मिलियन जिसकी आमदनी पर महीने 2 लाख से ज्यादा होगी, 2 लाख से भी बहुत ज्यादा होगी, ऐसे लोग देश में 25 मिलियन लोग हो जाएंगे आगे आने वाले दिनों में। इस बात को समझा दर्शाता है कि देश की अर्थव्यवस्था बढ़ी है। अब देश के ये काले कपड़े वाले जो है जो पहन के आते हैं उनको देश की अर्थव्यवस्था तो मतलब नहीं है, वो तो सिर्फ नारेबाजी करते हैं, लेकिन उनको मैं बताना चाहता हूं कि देश की जो आबादी है उसका ज्यादातर परसेंट यूथ है, जो यूथ जो है 28% जो है वो यूथ है इस देश में, जो वर्किंग यूथ पॉपुलेशन जो है वो 28% है जो, और जो पूरी वर्किंग पॉपुलेशन है देश की वो आज 55% है और आगे आने वाले दिनों में जो है 60% से ऊपर हो जाएगी 65% से। इस बात का दुनिया को अनुमान है दो चीजों का कि डेमोग्राफिक डिविडेंड सिर्फ हिंदुस्तान को नहीं बल्कि दुनिया को फायदा होगा।
इसका फायदा पूरे दुनिया को होगा कि डेमोग्राफिक डिविडेंड का, इसलिए कि यहां पर यंग एज वर्किंग पॉपुलेशन और इंग्लिश स्पीकिंग वर्किंग पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज्यादा देश में होगी। और स्टेम ग्रेजुएट देखिए तो पूरे दुनिया का 34% जो है ग्रेजुएट, स्टेम ग्रेजुएट बोलते हैं जो साइंस और इस तरह के सब्जेक्ट लेता है, आर्ट्स और हिस्ट्री छोड़ के उस तरह के सब्जेक्ट में दुनिया के 34% ग्रेजुएट हिंदुस्तान से, आपके देश से, हमारे भारत देश से निकलता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दुनिया के पटल पे है कि दुनिया देश को, हमारे देश को देख रही है कि यंग फोर्स, वर्किंग फोर्स हिंदुस्तान में ही मिलेगा जो इंग्लिश स्पीकिंग भी है, टेक्नोलॉजी के लिए बहुत सैवी है और वो उसकी प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। तो आज हम देख रहे हैं कि हमारे देश में यंग पॉपुलेशन है, गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ा पुश है। आपने देखा होगा कि पिछले साल 2.4 लाख, उसके बाद 2.4% ऑफ द जीडीपी, जो 7 लाख जो है जो कैपेक्स में रखा था बजटरी एलोकेशन में, फिर 10 लाख कर दिया, 111 लाख करोड़ का जो हमारा नेशनल इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन है। इसलिए उससे समझ में आता है कि देश एकदम सही डायरेक्शन में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, और इससे जितना वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा उतना ही ज्यादा जो है देश में निवेश ज्यादा से ज्यादा होगा। आप अगर एक छोटी सी चीज बताता हूं कि जो ग्लोबल लॉजिस्टिक इंडेक्स में अगर आप देखिए तो हिंदुस्तान की रैंकिंग जो है वो 56 पहले थी, अब वो 38 जो है जम करके आई है, और कॉम्पिटेटिव इंडेक्स में हिंदुस्तान जो है अब 44 से 37 पे आई है। डिजिटल इकोनॉमी में हमने बहुत पुश किया है, एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है डिजिटल इकोनॉमी को जो हमने पुश किया है, जिसका कंट्रीब्यूशन अब पहले देखे 2014 से पहले जो है डिजिटल इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन मात्र 7% होता था, अब उसका कंट्रीब्यूशन जो है 7% कंट्रीब्यूशन होता था, अब उसको ग्रोथ जो है उसको 15% ग्रोथ जो है उसमें डबल हो गया है उसका कंट्रीब्यूशन जो नेशनल जीडीपी में। और जो इन्वेस्टमेंट जो है आज के हम लोग बहुत लोग कहते हैं कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा, इसलिए कि पहले के दिनों में कैपेसिटी बहुत ज्यादा क्रिएट कर गई थी, उस टाइम में जो पैसा बहुत बांट दिया था तो बहुत सारी कैपेसिटी जो है अनयूटिलाइज थी, अब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है 75% हो गया है। और जब भी किसी इकोनॉमी में देखते हैं कि अगर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 75% होता है तो उसके बाद जो है न्यू इन्वेस्टमेंट जो है वो शुरू हो जाता है, जब न्यू इन्वेस्टमेंट होगा तो जाहिर है और ज्यादा नौकरियां बढ़ेंगी, और ज्यादा प्रॉस्पेक्ट बढ़ेंगे, और ज्यादा ब्लू कॉलर व्हाइट कॉलर जॉब होगी, और इस पूरे इसमें आगे आने वाले दिनों में पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा जो अगर फोकस है दुनिया का तो हिंदुस्तान में है, ग्रोथ कैपिटल यहीं आ रहा है, नौकरियां यहीं होंगी, प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा यही होगी, और सबसे ज्यादा जो है पर कैपिटा इनकम भी देश में, हालांकि हमारा पर कैपिटा इनकम नहीं सही बताने इसलिए छोटा होता है इसलिए कि हमारी पॉपुलेशन दुनिया की 20% पॉपुलेशन है, लेकिन हमारा कंट्रीब्यूशन सही तरह से देखना चाहिए कि आज देश का कंट्रीब्यूशन जो इंक्रीमेंटल ग्रोथ होगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़े बता रहा हूं कि अब दुनिया क्यों हिंदुस्तान की तरफ देखेगी, आज से आने वाले दिनों में जो हमारे कंट्रीब्यूशन जो ग्लोबल जीडीपी का इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन जो होगा वो लगभग 15 से 20% होगा। अब आप देखिए 1/5 अगर इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन जो है वो सिर्फ एक देश से आ रहा है, मतलब दुनिया में जो जीडीपी हर साल जो होती है 3% के आसपास जो ग्लोबल जीडीपी है उसका 1/5 अगर यहां से आ रहा है तो आप सोचिए कि पूरे देश, पूरी दुनिया एक साइड और उसका 5वां हिस्सा जो है 20% आपके देश से आ रहा है, तो जाहिर है तरक्की यही होने वाली है। और उसके साथ साथ आप देखिए कि आप हम लोग बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया, यूके, जापान, जर्मनी, अब उनको देखिए कि अब ऑस्ट्रेलिया जैसी इकोनॉमी हमारे इंक्रीमेंटल ग्रोथ जितना होगा वो ऑस्ट्रेलिया की पूरी इकोनॉमी के बराबर होगा। हमारे जो प्रदेश जो है, जैसे चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, और भी प्रदेश जो है जो प्रोग्रेसिव प्रदेश है, उनका जो सिर्फ जीडीपी कंट्रीब्यूशन होगा उससे आप समझिए दुनिया के कई देश के एक कंट्री के से ज्यादा एक स्टेट का जो है जीडीपी कंट्रीब्यूशन होगा, नेशनल जीडीपी में भी, ग्लोबल जीडीपी में भी। तो इससे समझ में आता है कि देश की जो अर्थव्यवस्था एकदम सही पटरी पे है और उसमें जो उसके मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स है सब बहुत अच्छे दिख रहे हैं। अब मैं छोटी सी बात, 2-3 बात कह देता हूं। जैसे आप जब मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स के बारे में देखते हैं तो लोग आजकल बात करते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट की, आज मैं आपको बताऊं कि 2% से भी नीचे है करंट अकाउंट डेफिसिट, और जबकि यूपीए के समय वो 7% तक जा चुका था करंट अकाउंट डेफिसिट, उस वक्त
चरमराती अर्थव्यवस्था था, अभी मजबूत अर्थव्यवस्था है। तो महंगाई के बारे में वो लोग बात करते हैं, जरा उनके टाइम में देखिए एवरेज 10 साल का जो महंगाई का जो इन्फ्लेशन जो था 7.5% था, हमारा 5.1, उसके बावजूद कि यहाँ पर यूक्रेन जैसा क्राइसिस हुआ और जो कोविड जैसे जो है इतना जो लोगों पूरी दुनिया को डराने वाला जो ऐसा बीमारी आया था, उसके बावजूद हमारे यहाँ जो इन्फ्लेशन जो है 5.1% जो है एवरेज इन्फ्लेशन है। और आज के दिनों देखिए जो ये जो है और कम हो रहा है, जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ दिखा रहा है। और जो लोग बात करते हैं कि भाई कुछ चीजों के दाम बढ़ गए हैं, चाहे टमाटर है या सब्जी है, जितना तेजी से बढ़ते हैं उतना तेजी से फलों के दाम कम होते हैं और सब्जियों के दाम कम होते हैं। ये सिर्फ सीजनल फैक्टर की वजह से होता है, कभी कभी ये बढ़ जाता है और उसके लेकिन तुरंत बाद में गिर भी जाता है। तो अगले अगस्त के महीने में देखिएगा, चाहे टमाटर या सब्जियां हैं उनके अपने आप ही रेट कम हो जाएंगे और ओवरऑल इन्फ्लेशन का डायरेक्शन जो है और नीचे की सतह पे जाता रहेगा। तो नटशेल में ये बताना चाह रहा हूं कि देश की अर्थव्यवस्था तेज रफ्तार से जा रही है, स्ट्रांग लीडरशिप है, स्ट्रांग पॉलिसी मेकिंग इनिशिएटिव है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लिया है हमने, बहुत बड़े बड़े कड़वे फैसले लिए हैं, इसलिए आज देश की अर्थव्यवस्था दुनिया के अर्थव्यवस्था में सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था है। हमारा कंट्रीब्यूशन 20% जो ग्लोबल इंक्रीमेंटल जीडीपी है उसका होगा, वर्ल्ड के जीडीपी का 4% होगा हमारा कंट्रीब्यूशन 2027 तक। हम दुनिया की पांचवी अर्थव्यवस्था जो 2029 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बोला था, लेकिन जिस तरह से ग्रोथ मोमेंटम दिख रहा है और जिस तरह से पीएमआई का दिख रहा है, सर्विसेज पीएमआई और मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई जिसका जो एक कंटिन्यूअसली 57-58% 50 से ऊपर है जबकि चाइना का 50 से नीचे है, तो उससे समझ में आता है कि जो तेजी है सिर्फ हिंदुस्तान में है। और उन सारे वजह की वजह से देश की अर्थव्यवस्था 2027 में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी और 2060 में दुनिया की पहली अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। और इसका पूरा जो न्यू जो है वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बड़े फैसले लेकर जो है वो 2014 से स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, जिस पूरी दुनिया में कहा जाता है कि जिस अर्थव्यवस्था में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और बड़े फैसले लिए गए वहां थोड़े देर के लिए मंदी आती है लेकिन फिर बहुत तेजी आती है और सालों साल जो है सस्टेनेबल ग्रोथ रहता है, वो हमने करके दिखाया है। और आज इस बात को हमारे काले कपड़े पहनने वाले आंखों में पट्टी बांध सकते हैं लेकिन वो देश के दुनिया में और देश के लोगों के आंखों में पट्टी बांध नहीं सकते। इसलिए दुनिया देख रही है, दुनिया की सारी रिपोर्ट स्कैन कर लीजिए, जितनी भी मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन है, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस है, सब ने लिखा है कि देश की अर्थव्यवस्था सबसे मजबूत स्थिति में हिंदुस्तान की। चाइना वीक हो रहा है जिसलिए कि अगर पीएमआई नंबर देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पीएमआई 50 से ऊपर होता है तो एक्सपेंशनरी मोड मतलब बढ़ रहा है और अगर 50 से नीचे होता है तो दिख रहा है कि घट रहा है। तो चाइना 50 से नीचे में, इंडिया 57 है मैन्युफैक्चरिंग, 57.5 मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है जो इसमें मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और सर्विसेज पीएमआई वो 60 तक चली गई थी, अभी 58.5% है। तो उससे समझ में आता है कि देश की अर्थव्यवस्था आगे आने वाले दिनों में और भी मजबूत होगी। ये लोग अपोजिशन वाले जितना भी देश को कमजोर करने की कोशिश करें लेकिन प्रधानमंत्री की जो कमिटमेंट है देशवासियों के साथ कि हम देश को मजबूत करेंगे, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए एक ऐसा मजबूत देश देंगे जहां पर हर तरह की सुविधाएं हो, हर तरह की सुविधाएं इस देश के अंदर ही हो और देश के लोगों को बाहर ना जाना पड़े बल्कि देश में ही रह के हर तरह के अपॉर्चुनिटीज को यहां पर एक्सपीरियंस कर सके। इन बातों के साथ मैं अपने बात को यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को ये करते हैं, बाकी आपके जो सवाल होंगे मैं उनका जवाब दूंगा। देखिए आपको इसको बात को समझना पड़ेगा, देखिए पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है लेकिन पॉपुलेशन को तो आप इग्नोर नहीं कर सकते, दुनिया की 20% पॉपुलेशन है। अगर हम देखें पूरा यूरोप जो है वो हमारे एक स्टेट से की आबादी एक स्टेट में आ जाए, दो स्टेट में मिलके आ जाती है, तो उससे समझ में आता है कि हमारी आबादी की वजह से पर कैपिटा नंबर ऑफ पर्सन से डिवाइड होता है, इसलिए उसका जो है उसका रैंकिंग में नंबर कम होगा। लेकिन ग्रोथ में देखिए बहुत तेजी से है, जो पर कैपिटा इनकम ग्रोथ में हमारी अर्थव्यवस्था चूंकि तेजी से बढ़ रही है इसलिए वो पर कैपिटा इनकम भी बढ़ रहा है। देखिए ये इनके पास कोई और मुद्दा नहीं है, उनको समझ में आ रहा है
मजबूत हाथ में देश की कमान है, देश की जनता का कॉन्फिडेंस आदरणीय प्रधानमंत्री जी में है, एनडीए में है, और उनको 2024 में कोई सूरत से कोई वैकेंसी नहीं दिख रही है। तो इसलिए वो डिसरप्टिव अप्रोच जो है उन्होंने अपनाया है। आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय गृह मंत्री जी ने फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में कहा था कि हम चर्चा करना चाहते हैं, उन्होंने नहीं किया। वो रूल 267 और 176 में फंसे रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने लेटर लिखा कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन को और एलओपी को लिखा कि आप जितना समय लेना चाहते हैं समय लीजिए, हम इसी पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उनकी मंशा नहीं है डिस्कशन करने की, उनकी इच्छा नहीं है डिस्कशन करने के लिए, इसलिए वो सिर्फ डिस्टर्ब करना चाहते हैं पार्लियामेंट। अगर उनकी इच्छा रहती तो आदरणीय गृह मंत्री जी ने तो स्वयं पटल पे बोला था कि हम इस पे करना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं, जितना समय लगे ले लीजिए, लेटर भी लिखा। उसके बाद ये पूरे तौर से एक्सपोज हो गया और देश की जनता देख रही है कि इनकी मकसद सिर्फ सत्ता की, जो मुंह में ये सब कर रहे हैं कि सत्ता आए गए, सत्ता के लालच में कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता से उनको कोई प्यार नहीं, देश से कोई प्यार नहीं। आज पूरा ऑपोजिशन एकजुट होकर कहना चाहिए था कि देश की अर्थव्यवस्था जो है आज जिस तरह से चल रही है, 2027 में अगर लोगों का अनुमान था कि 2035 में आएगी, आज देश पूरे दुनिया की रिपोर्ट कह रही है कि ऐसा इंक्रीमेंटल ग्रोथ जो हो रहा है उससे 2027 में ही 6.5% अगर कंसिस्टेंट ग्रोथ रहा तो 2027 में ही हम जो है तीसरे नंबर की इकोनॉमी बढ़ जाएंगे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और जब तीसरे नंबर की इकोनॉमी बढ़ेंगे और आपका जो कंसिस्टेंट पीएमआई जो है पिछले 2020 से कंसिस्टेंट पीएमआई जो है 50 और 57 दिख रहा है मैन्युफैक्चरिंग और जो सर्विसेज पीएमआई, तो कहां पैसा जाएगा? ये थरी आएगा हिंदुस्तान में, आएगा हिंदुस्तान में, इन्वेस्टमेंट होगा तो जाहिर है नौकरियां ज्यादा होंगी, नौकरियां ज्यादा होंगी उसके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए प्रधानमंत्री ने जो गति शक्ति जैसे ऐसे बड़े इनिशिएटिव लिए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे पुश किया, इसलिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, उस पर पूरी कोशिश की है और वो सामने दिख भी रहा है कि जिस तरह से नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो है 111 लाख करोड़ का जो आइडेंटिफाई किया और तेजी से उसको एग्जीक्यूशन मोड में भी लाया जा रहा है। रेलवे में उसी तरह से हो रहा है, बाकी चीजों में भी, रोड सरफेस सभी जगह पर हो रहा है। तो ये उनकी राजनीति का एक तरीका है कि देश के लोगों को गुमराह करे, लेकिन इस तरह के स्टंट बैकफायर करेंगे और उनको मुंह की खानी पड़ेगी। देखिए इंडिया का नाम उन्होंने रखा I.N.D.I.A, इससे लोग जो है बहुत उनको लगता है कि इनके पास कुछ नहीं बचा तो ये एक इस तरह का स्टंट कर रहे हैं, लेकिन दिस काइंड ऑफ स्टंट विल बैकफायर ऑन देम। See, can you ignore the hard statistics? Today, Indian economy is, the size of Indian economy is $3.4 trillion. The projected growth rate, you cannot ignore the growth rate with what growth the Indian economy is growing. So, based on current growth rate and the projected growth rate by not only by Indian institutions or Indian Reserve Bank or Indian banks or Indian Indian institutions, but the multilateral institutions like World Bank and Monetary Authority of many monetary authorities as well as international monetary authorities, everyone has projected that India will grow at least 5.5%, 5.6% to 5.7%. Keeping that in mind, 6.5% to 6.7%. Keeping that in mind, if that consistency is maintained, then the size of the economy in 2027 will be around $5.5 trillion. And you can do a back testing. When we assumed the government, we were at 10th spot. Our size of the economy is around $2.5 trillion. Today is $3.5 trillion, and we are likely to grow to over $5 trillion in 2021, and by 2030 around $8 trillion. So all these things is in front of them. Yes, they feel that the growth will not happen because they are disrupting the parliament. Despite their disruption, we are ensuring that the bill is passed and the legislation is made so that the growth momentum and the reforms momentum in the country will continue. And now the draft will be
See, as I said, there were three bottlenecks. Somehow we have managed every bottleneck and ensured that the economy grows and we definitely become the largest growing economy. So one of them was COVID, second was the Russia-Ukraine war, and third was the opposition, as I said earlier. So they will continue to be a bottleneck. These kind of statement will keep coming from them. They will become a bottleneck for our growth, but we will ensure that all these bottlenecks we will remove and we will continue with our momentum and Indian economy will grow. All these issues, they are trying to divert the attention from the growth story of the external growth story of the country. If UCC is also become a reality, it will also further push the growth momentum in the country. Any other questions? Thank you very much.